कूपन और सोसाइटी से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारे बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। दोस्तों आज हम बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं, वो तीन चार कंपनियों से रिलेटेड है। सबसे पहले विश्वामित्र, एक्सेस ग्रुप, कल्पत्रु, कैमुना, रियल इंडिया और प्रॉस्पेक्ट निधि सहित अन्य कंपनियों के खिलाफ बड़ी अपडेट हमारे पास आई है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि भारतवर्ष में बैड एक्ट ना होने के कारण सभी चिटफंड कंपनियों के निवेशकों को उनको इंसाफ नहीं मिल पाया और ना पैसा मिल पाया, उसी को लेकर दोस्तों आज बड़ी अपडेट लेकर आए हैं। बड़ी अपडेट जो दोस्तों हम आप लेकर आए हैं, ये 1 अरब से अधिक रुपये की चिटफंड कंपनियों में गंवा चुके जनपदवासी, या दोस्तों यहाँ जनपदवासी 1 अरब से ज़्यादा पैसा गंवा चुके हैं। बड़ी अपडेट गोरखपुर की है और 7 मार्च 2023 की ताज़ा अपडेट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की ताज़ा अपडेट। अपडेट सुनाने से पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई एक लेटेस्ट वीडियो पहुँचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं संवाद न्यूज़ एजेंसी देवरिया की बड़ी खबर। चिटफंड कंपनियों के चक्कर में फंसकर जनपदवासी करीब 1 अरब से अधिक रुपया गंवा चुके हैं। विभिन्न थानों में करीब 90 मुकदमे दर्ज हैं। बैड एक्ट धरातल पर न होने के कारण रुपया गंवा चुके लोगों की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दूसरी तरफ रकम वापसी के लिए करीब 5,000 लोगों ने जिला प्रशासन के पास गुहार लगाई है। चिटफंड कंपनियों ने पिछले 1 दशक के भीतर रकम दुगना करने का लालच देकर जनपद से 1 अरब से अधिक रुपया जमा कराए, इसके बाद कंपनियां फरार हो गईं। खास तौर पर ये कंपनियां ग्रामीण इलाकों में अपना जाल फैलाए हुए मोटे कमीशन का लालच देकर गांव-गांव अपना एजेंट बनाए थी, यानी कि एजेंटों के माध्यम से यहां लूट मचाई की गई। पुलिस के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो चिटफंड कंपनी काफ़ी संख्या में लोगों के रुपया लेकर फरार है। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन विवेचना के दौरान अभी तक किसी भी चिटफंड कंपनी कर्मचारी या निदेशक की गिरफ्तारी नहीं की है। थानों में दर्ज मुकदमों में सबसे अधिक स्पेस ग्रुप के 30 करोड़ रुपए की हेराफेरी, जी हाँ दोस्तों यहाँ पर स्पेन ग्रुप की 30 करोड़ से ज़्यादा की हेराफेरी की है, जबकि विश्वामित्र और एक्सेस ग्रुप और कल्पत्रु, कैमुना, रियल इंडिया और प्रॉस्पेक्ट निधि सहित अन्य कंपनियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। सबसे गंभीर बात तो यह है कि रुपया गंवाने वाले लोगों को अभी तक कुछ माह पहले आज जगी थी कि बैड एक्ट के तहत उनके रुपए मिल सकते हैं, लेकिन अभी तक शासनादेश न आने के कारण जनपद में कार्यालय में आए 5,000 आवेदनों पर विचार नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर जनपद में 5,000 से ज़्यादा आवेदन पुलिस को दिए गए हैं और अभी तक उन आवेदनों पर कोई विचार नहीं है, और बैड एक्ट 2019 जो कागज़ों में तो वो पारित हो चुका है, लेकिन धरातल पर सभी ज़िलों और सभी तहसीलों में नहीं चल पा रहा। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बैड एक्ट हमारे योगी जी ने चालू किया है। तो दोस्तों 2024 में इलेक्शन है, जाहिर सी बात है कि कुछ तो चूरा चारा मिलेगा। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तक शासनादेश ने यानी कि जो शासन है, अधिकारी हैं, कार्यालय में 5,000 आवेदन दिए गए, लेकिन आवेदन अलमारी में बैठे धूल फांक रहे हैं। तो दोस्तों अलमारी में पड़े ये आवेदन धूल फांक रहे हैं। अभी तक कुछ दिन पहले बैड एक्ट के तहत काफ़ी संख्या में लोगों के आवेदन जुटाकर जिलाधिकारी कार्यालय में जमा कराया गया था। कानून पीड़ित न्याय मंच इनकी लड़ाई लड़ रहा है। जनपद में अभी तक 1 अरब से अधिक रुपए लोगों के फंसे हुए हैं। अविनाश सिंह अधिवक्ता व सचिव कुमार कानून पीड़ित न्याय मंच, यानी कि यहाँ पर एक न्याय मंच भी बना है, अधिवक्ता सचिव कानून पीड़ित न्याय मंच बनाए हुए हैं। जो मुकदमे दर्ज हैं उनकी विवेचना चल रही है। कई विवेचनाओं में आरोप पत्र भी न्यायालय में दाखिल किए जा चुके हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किया जा रहा है, यानी कि अभी प्रयास किया जा रहा है, गिरफ्तारी अभी बहुत दूर है। बैड एक्ट 2019 जिला अग्रणी प्रबंधन अरुणवेश कुमार ने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में सोसाइटी व चिटफंड कंपनियों में निवेशित धनराशि की वापसी के संबंध में बहुत से जमाकर्ताओं द्वारा अपने पैसे की वापसी के लिए बैड एक्ट 2019 के तहत आवेदन किया है।
निवेशित धनराशि की वापसी के संबंध में बैड एक्ट 2019 अधिसूचना उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी जारी नहीं हुआ है। इन दोनों कारणों की वजह से जिलाधिकारी के जनता दर्शन में दिए गए आवेदनों पर कोई विविध कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों, बैड एक्ट लागू हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी राज्य में बैड एक्ट के तहत फार्म जमा कराए जा रहे हैं, किसी राज्य में नहीं कराए जा रहे हैं, किसी जनपद में युद्ध स्तर से काम चल रहा है तो किसी जनपद में कोई दूर दूर तक किसी तरह का कोई प्रोसीजर नहीं है। तो दोस्तों, अभी तक पूरी तरीके से भारतवर्ष में बैड एक्ट लागू नहीं हुआ, और यही वजह है कि पूरे भारतवर्ष के 60 करोड़ लोग इन चिटफंड सोसाइटियों से परेशान है। कुछ से विभाग ने धराशायी किया, कुछ से विभाग के डर के मारे अंडरग्राउंड हो गए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इस वक्त हम आपके लिए अपडेट लेकर आए थे, ये अपडेट अपने आप में बहुत कुछ कहती है। पता चलता है कि इस वक्त शासन प्रशासन दुलमुल नीति के तहत प्रोसीजर को चालू किए हुए है, चाहे वो सेबी हो या ये तहसील परिसर में बैड एक्ट के तहत जो ये चिटफंड सोसाइटी के फार्म भरे जा रहे हैं, यानी कि चिटफंड से लूटे निवेशकों के फार्म भरे जा रहे हैं। तो दोस्तों, कहीं पर तो भरे जा रहे हैं और कहीं पर अभी तक ये प्रक्रिया चालू नहीं है। तो दोस्तों, अभी पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते कि निवेशकों का पैसा कब मिलेगा। अभी दोस्तों, दिल्ली बहुत दूर है और इतनी दूर है कि हम आपको बता नहीं सकते। तो दोस्तों, हमारी तरफ से कोई झूठा आश्वासन आपको हम नहीं दे सकते। जो भी हमारे पास अपडेट आती है, आपके रूबरू लेकर आते हैं, फेस टू फेस लाते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यूज चिटफंड से जुड़ी ताज़ा अपडेट में। यह बड़ी अपडेट हमारे उजाला से थी। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जैन जयवारा साइन आरा।